दोस्तों आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास Redmi, Oppo या किसी भी कंपनी का Android स्मार्टफोन अगर आपके पास है, जैसे मेरे पास यहाँ पे देख सकते हैं कि दो दो स्मार्टफोन यहाँ पे है, एक Oppo का है एक Redmi का है। तो फ़िलहाल हम यहाँ पे Oppo के बारे में तो रेगुलर वीडियो बनाते ही रहते हैं, तो यहाँ पे ये भी फ़ोन लॉक है, तो वन बाय वन हम दोनों स्मार्टफोन को अनलॉक करके दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हम बात करने वाले हैं Redmi डिवाइस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, Redmi डिवाइस के बारे में इसलिए हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे 11 सीरीज 10 सीरीज को लेकर के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमारा फ़ोन लॉक हो गया है, अनलॉक नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप, अगर आपका फ़ोन बाई मिस्टेक से लॉक हो जाता है तो आप इसको कैसे अनलॉक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम जो है अपने इस डिवाइस को कम्प्लीटली टर्न ऑफ करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम इसको उसी मोड में ले जाएंगे जैसे कि आप कोई भी फ़ोन लॉक कर लेते हैं तो ऑफ़ कर लेते हैं, तो सेम उसी सिचुएशन में हम ये फ़ोन यहाँ पे ले जाएंगे। और अब ये डिवाइस को हम यहाँ पे ऑन भी करने वाले हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने जो अपना डिवाइस है MI का, ये ऑन कर लिया है, बिल्कुल न्यू ब्रांड न्यू ये आपका Redmi का डिवाइस है। और बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी मिले हैं जिनका नए में ही फ़ोन लॉक हो गया। जी हाँ दोस्तों, नए में फ़ोन लॉक हो गया, ईमेल आईडी पता नहीं, अब वो कैसे क्या करेंगे, ये सारी चीज़ थोड़ी यहाँ पे ट्रबल हो जाती है फ़ोन को अनलॉक करने पे। तो फ़िलहाल इस वीडियो में हम आपको स्पेशली Redmi सीरीज़ के बारे में बताएंगे, MI सीरीज़ के बारे में बताएंगे, Xiaomi सीरीज़ के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ यहाँ पे किस तरीके से इस टाइप के पासवर्ड पैटर्न को आप ब्रेक करेंगे, ये भी यहाँ पे हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल लाइव इस चीज़ को दिखा रहा हूँ कि इस टाइप के पासवर्ड को किस तरीके से आप रीसेट करेंगे अपने खुद के स्मार्टफोन से। कोई दूसरा स्मार्टफोन या किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर को यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। देखिए, इंटरिंग योर पासवर्ड रिक्वायर्ड व्हेन डिवाइस रिबूट, ये ऑप्शन आपको हर स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ना फिंगरप्रिंट काम करेगा, कुछ भी ऐसा यहाँ पे इस फ़ोन में काम नहीं करेगा अगर आप फ़ोन को अनलॉक करते हैं तो। तो हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको बिल्कुल लाइव दिखाएंगे कि कैसे आप इस मेथड से अपने स्मार्टफोन को अनलॉक कर सकते हैं विद इन मिनट। यहाँ पे सबसे पहले एमरजेंसी कॉल वाले ऑप्शन में हम यहाँ पे चल जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, एमरजेंसी कॉल में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि *#8999 हैज़ काम कर रहा है, बट MI के लेटेस्ट फ़ोन में ये अभी दिक्कत है, यहाँ पे काम नहीं कर रहा। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, *#8999 और हैज़ करके ये यहाँ पे काम नहीं करने वाला है, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे इनको यहाँ से हटाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लेटेस्ट FRP यहाँ पे अप्लाई करना होगा, वो भी जुलाई मंथ का। और हमारे द्वारा जो भी आपको कोड दिया जाएगा उसको आप फॉलो कीजिएगा, तो ये आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली तरीके से पता चलेगा कैसे आप इसको यहाँ पे अपने फ़ोन को रीसेट कर सकते हैं। रीसेट मतलब फैक्ट्री रीसेट नहीं, सिर्फ यहाँ पे पासवर्ड रीसेट होगा। तो फिलहाल यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो लेटेस्ट कोड है आपको हम दे रहे हैं और ये हैज़ लगा के इसको यूज़ करना है, इसको आप लिख लीजिए *#8968742583999 और हैज़ कॉल कर लेना है एक बार इस तरीके से। ये देखिए, कॉल करने पे इस तरीके का यहाँ पे ये मैसेज यहाँ पे आपको शो होना चाहिए, तभी ये काम करेगा, वरना नहीं करेगा। अब इसको हम यहाँ पे ओके कर देते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही सिचुएशन में इसको ओके कर देते हैं, और ओके करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत ही इजी तरीके से आप अपने फ़ोन को अनलॉक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बैक चलेंगे, बैक जाइएगा, और बैक जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे फ़िलहाल कुछ नहीं करना है। जैसे आपको इसको स्वैप करेंगे, आप पाएंगे कि आपका फ़ोन ऑटोमेटिक तरीके से यहाँ पे अनलॉक हो चुका है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो मैं आपको बिल्कुल ये लाइव डेमो करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप इस स्मार्टफोन को अनलॉक करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, और हाँ, जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, पहली बार आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम फटाफट इसको स्वैप करते हैं, और स्वैप करते ही हमारे सामने आ रहा है
कि इंटरिंग योर पासवर्ड रिक्वायर्ड विन द डिवाइस रिबूट, ठीक है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हम एक पासवर्ड डालेंगे 1 2 3 4 5 6, ये पासवर्ड डाल के हम यहाँ पे इसको इंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इनकरेक्ट पासवर्ड यहाँ पे आपको बता रहा है ना, ये देखिए यहाँ पे आपको ये इनकरेक्ट पासवर्ड बता रहा है कि जब तक आप यहाँ पे करेक्ट पासवर्ड नहीं डालेंगे यहाँ पे ये अपना डिवाइस जो है आपको अनलॉक करने नहीं देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इनका जो जब तक पासवर्ड आप नहीं डालेंगे ये यहाँ पे आपको अनलॉक करने नहीं देंगे। तो यहाँ पे एक तरीका है, सबसे पहले आप पावर बटन और वॉल्यूम डाउन आपको ढूंढना है। जी हाँ दोस्तों, पावर बटन वॉल्यूम डाउन आपको यहाँ पे ढूंढना है और एक बार इस तरीके से यहाँ पे क्लिक कर देना है, दोनों को एक साथ क्लिक कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको। जैसे ही आपने यहाँ पे वॉल्यूम डाउन और पावर बटन दबाया, यहाँ पे हमारा फ़ोन जो है रीसेट हो चुका है, रिबूट मोड में जा चुका है। और रिबूट मोड में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो स्मार्टफोन है अब ये कम्प्लीटली जो है यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा। इसी मेथड से आप अभी देखिए यहाँ पे हमारा फ़ोन सक्सेसफुली अनलॉक हो चुका है, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा स्मार्टफोन अब जो है यहाँ पे सक्सेसफुली अनलॉक हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे हम अब जो है इसको अनलॉक करने वाले हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, फ़ोन हमारा ऑटोमेटिक तरीके से अनलॉक हो गया है विदाउट डेटा लॉस। जी हाँ दोस्तों, विदाउट डेटा लॉस हमने अपने फ़ोन को अनलॉक कर लिया है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।